हेलो एवरी वन आई एम वानी एंड वेलकम टू ई फॉर इंग्लिश एंड आई होप एवरी वन इज़ डूइंग फाइन चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन आज का हमारा लेसन है लिस्ट ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट वर्ब्स को आज हम करेंगे और उसकी फॉर्म्स सीखेंगे कि किस तरह से आप वर्ब को मतलब एक्शन को किस तरह से फॉर्म्स में चेंज करते हैं सो so, वर्ब को हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन लिस्ट ऑफ वर्ब्स सो वर्ब क्या होती है वर्ब को हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं सो अ वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स इट इंडिकेट्स एक्शन वर्ब क्या होती है वर्ब वो शब्द है जो हमें बताती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है सब्जेक्ट होता है कर्ता जो किसी काम को करता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट सो so, हिंदी में हम बोल सकते हैं कि क्रिया वह शब्द है जो यह बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है कर्ता क्या काम कर रहा है सो so, यह कार्य को दर्शाता है तो हम बोल सकते हैं कि व किसको बताता है एक्शन को एक्शन क्या होता है कार्य वर्ब कार्य को बताता है जैसे रन दौड़ना वॉक चलना राइट लिखना सिंग गाना प्ले खेलना तो ये सब क्या है वर्ब्स ये कार्य हैं जो हो रहे हैं नेक्स्ट है देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब वर्ब दो तरह की होती हैं, एक होती है मेन वर्ब जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं तो मेन वर्ब क्या होती है मेन वर्ब वो वर्ब होती हैं जो एक्सप्रेस करती है नेचर ऑफ द एक्शन कि कार्य कौन सा है ऐसा कौन सा कार्य हो रहा है जैसे खेलना पीना गाना सोना ये सब कार्य हैं ये मेन वर्ब है मुख्य क्रिया है कार्य का रूप है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हेल्पिंग uh, वर्ब वो वर्ब होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करती है और बताती है कि जो होने वाला कार्य है जो मेन कार्य है उसका टाइमिंग क्या है वो किस समय हो रहा है क्या वो प्रेजेंट में हो रहा है या फिर भविष्य में हो रहा है या फिर भूतकाल में हुआ था सो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताती है तो हम बोल सकते हैं कि क्रिया के समय को व्यक्त करने में मुख्य क्रिया की मदद करता है तो हेल्पिंग वर्ब मुख्य वर्ब की हेल्प करता है सो मेन वर्ब जो है वो हैं जैसे रन वॉक ईट गो राइट कम प्ले और ड्रिंक ये सब मेन वर्ब है राइट ये बताती है कि क्रिया का रूप क्या है कार्य कौन सा हो रहा है तो इसी तरह से जो मेन वर्ब है वो हमें एक्शन के बारे में बताती है कार्य के बारे में बताती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जैसे इज आर एम वॉज वर, डिड, हैज हैव या हैड का यूज होना वुड डू या डज का यूज होना कुड या फिर कैन का यूज़ करना सेंटेंस में तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हमें समय के बारे में बताती है कि जो कार्य है वो किस समय में हो रहा है जैसे इज आर एम ये प्रेजेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं वॉज वर पास्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वुड और कुड ये सब मॉडल्स हैं जो कि फ्यूचर या पास्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं कैन जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है और फर्दर जो फ्यूचर है फ्यूचर में किसी परमिशन के लिए यूज़ करना तो ये सब हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो आप पहले अपलोडेड वीडियोस को देख सकते हो हैज हैव और हैड का यूज़ किया जाता है परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए किया जाता है डू Do और डज का यूज़ हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं और डिड का यूज़ हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हमें समय के बारे में बताती हैं सो ये टाइम के बारे में बताती है और मेन वर्ब हमें एक्शन के बारे में बताती है कि कौन सा कार्य हो रहा है तो ये थी टू टाइप्स ऑफ वर्ब अब तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आगे हम देखते हैं देर आर फोर फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब लेकिन ज़्यादातर हमें थ्री फॉर्म्स दिखाई देती हैं लेकिन एक फोर्थ फॉर्म भी होती है तो वो भी हम देखते हैं जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ की जाती है राइट वर्तमान काल के लिए और सेकेंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट फॉर्म में होती है जो हमें बताती है भूतकाल के बारे में कि जो समय व्यतीत हो चुका है तो उसके लिए हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है वो परफेक्ट टेंस के लिए यूज की जाती है वो टेंस जिसमें हमें पता लगता है कि काम पूरा हो चुका है तो पूर्ण काल के बारे में बताती है किसी काम का थोड़े समय पहले ही पूरा होना उसे हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस सो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब भूतकाल में कुछ समय पहले काम का कंप्लीट होना पूर्ण काल सो फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूस फॉर्म वो फॉर्म जो कॉन्टीन्यूटी में होती है मतलब वो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन वर्तमान काल में भी वो काम चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म जो कॉन्टीन्यूटी में होती है तो इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं अपूर्ण काल मतलब काम का कंप्लीट ना होना लेकिन वो प्रेजेंट में चल रहा है मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हम प्ले लेते हैं प्ले का मतलब होता है खेलना तो प्ले प्रेजेंट फॉर्म में है और इसकी पास्ट फॉर्म होगी प्लेड तो यहाँ पर हमने ई लगा दिया है अब यहाँ पर ई क्यों लगाया है ये हम आगे सीखेंगे ऐसे ही इसकी थर्ड फॉर्म भी है प्लेड वहाँ पर भी हम प्ले के साथ ई लगा देते हैं और फोर्थ फॉर्म अगर हम यूज़ करते हैं अगर किसी भी सेंटेंस में कोई कार्य अभी चल रहा है कंटिन्यूटी में है तो हम फर्स्ट फॉर्म जो है इसकी उसके साथ आई एन जी लगा देंगे तो प्लेइंग बन जाएगा तो ये है फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वो फॉर्म जो कॉन्टीन्यूटी में है अभी कार्य जो है प्रेजेंट में भी चल रहा है सो so, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आई लग जाएगा वो हो जाएगा प्लेइंग और सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ई लग जाता है तो ये हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको याद करेंगे इसकी ट्रिक क्या है चलिए आप देखते हैं कि जो फॉर्म्स है मेन वर्ब की वो टू पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं तो टू पार्ट्स कौन कौन सी हैं तो फर्स्ट है रेगुलर वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स क्या वर्ब्स होती हैं रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है जो मेन वर्ब है उसके एंड में ईडी लग जाएगा तो सफिक्स क्या होता है किसी भी वर्ड के एंड में लगने वाले कुछ लेटर्स अब ईडी जो है वो सफिक्स होगा जो मेन वर्ब के एंड में लग जाएगा लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म में लगेगा चेंजेस जो आएंगे वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आएंगे फोर्थ में नहीं आएंगे क्योंकि फोर्थ जो फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ आई एन जी लगा ही बनती है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जैसे चलना ये एक मेन वर्ब है एक एक्शन है चलना को हम वॉक बोलते हैं आप जैसे इसकी हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ फॉर्म देखते हैं तो वॉक वॉकड वॉकड एंड वॉकिंग तो फोर्थ फॉर्म में तो आई लग गया है कि कॉन्टीन्यूटी है एक्शन में सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हम ईडी लगा देते हैं तो ये है रेगुलर वर्ब्स जिसमें रेगुलरिटी है ईडी ईडी राइट right? अब है इरेगुलर वर्ब्स इरेगुलर से मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं होना मतलब डिफरेंट भी होना सेम भी होना रेगुलरिटी नहीं होना अब जैसे इसमें ईडी सफिक्स नहीं लगता मेन वर्ब की एंड में सेकंड और थर्ड फॉर्म में फॉर एग्जांपल जैसे जाना जाना को हम बोलते हैं गो अब इसकी हम फॉर्म्स देखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म तो गो का हो जाएगा गो वेंट गोन एंड गोइंग तो तीनों अलग हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों अलग हैं तो ये इरेगुलर वर्ब्स होगी तो इरेगुलर वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इनमें ही इरेगुलरिटी आएगी जैसे या तो फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों सेम हो जाएगी तीनों सेम हो जाएगी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड या तो फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म दोनों सेम होगी और थर्ड डिफरेंट होगी या तो तीनों ही डिफरेंट हो जाएगी तो यहाँ पर तो ये तीनों ही डिफरेंट है राइट right? तो ये होगी इरेगुलरिटी तो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं और रेगुलर वर्ब्स होती हैं चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हम करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इरेगुलर वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स क्या होता है जो कि डिफरेंट होती है जिसमें इरेगुलरिटी होती है रेगुलरिटी नहीं होती चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, और वो हैं सबसे पहले हम मेन वर्ब देखेंगे हिंदी में फिर उसकी प्रेजेंट फॉर्म देखेंगे पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई यूज करके की जाती है चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है मेन वर्ब जगना जगना की फर्स्ट फॉर्म है इन इंग्लिश जिसे हम बोलते हैं अवेक जगना इसकी पास्ट फॉर्म है अवॉक और थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल वो है अवेकन और प्रेजेंट पार्टिसिपल है अवेकिंग तो ये जो है फॉर्म्स फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ये तीनों ही डिफरेंट हैं तो ये इरेगुलर है ऐसे ही सेकेंड है होना बी जिसे हम बोलते हैं बी सेकेंड फॉर्म है वॉज थर्ड फॉर्म है बीन और फोर्थ फॉर्म है बीन तो इसमें भी क्या है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही अलग अलग हैं इरेगुलर हैं ऐसे ही नेक्स्ट है शुरू करना तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा शुरू करना वो है बिगिन बिगिन का है बिगेन बिगन बिगनिंग तो इसमें भी क्या है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म तीनों ही अलग अलग है इरेगुलर है नेक्स्ट है काटना जिसे हम बोलते हैं बाइट बिट बिटन तो फोर्थ फॉर्म में आ जाएगा बाइटिंग तोड़ना ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन ब्रेकिंग हो जाना बिकम बिकेम बिकम बिकमिंग तो ये आप ज्यादातर लिख लिख कर देखिए तो आपको लर्न हो जाएगा लाना ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट अब यहां पर देखिए सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है फर्स्ट अलग है ब्रिंगिंग तो ये है फॉर्म्स ऑफ इरेगुलर वर्ब नेक्स्ट भी देखते हैं हम इसकी आना कम जिसे हम बोलते हैं कम केम कम कमिंग पीना जिसे हम बोलते हैं ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक ड्रिंकिंग चलाना ड्राइव ड्रॉव ड्रिवन ड्राइविंग नेक्स्ट है खाना ईट एट इटन ईटिंग महसूस करना जिसे हम बोलते हैं फील फील करना फेल्ट फेल्ट फीलिंग अब यहां पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है पता लगाना फाइंड जिसे हम बोलते हैं सेकेंड फॉर्म होगी फाउंड थर्ड फॉर्म होगी फाउंड देन फाइंडिंग तो सेकेंड और थर्ड दोनों सेम है देना गिव गेव गिवन गिविंग जाना गो वेंट गोन गोइंग नेक्स्ट है पाना गेट गॉट गॉट गेटिंग पकड़ना होल्ड हेल्ड हैल्ट होल्डिंग रखना कीप कैप्ट कैप्ट किपिंग जानना नो न्यू नॉन नोइंग नेक्स्ट है खोना लूज लॉस्ट लॉस्ट लूजिंग बनाना मेक मेड मेड मेकिंग भुगतान करना पे पेड पेड पेक दौड़ना रन रैन रन रनिंग कहना सेट सेट से बेचना सेल सोल्ड सोल्ड सेलिंग बैठना सिट सेट सिटिंग खड़ा होना स्टैंड

डरस्टैंडिंग जीतना विन वन वन विनिंग सो कुछ ऐसी इरेगुलर वर्ब्स भी है जिसमें थ्री फॉर्म्स में कोई चेंज नहीं आता तो थ्री फॉर्म्स सेम वैसे ही रहती हैं जैसे फट पड़ना इसे हम बोलते हैं बर्स्ट 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 बर्स्टिंग तो तीनों फॉर्म्स में कोई चेंज नहीं आया है तीनों एक जैसी रहती हैं शर्त लगाना बेट 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 बेटिंग काटना कट कट कट, कट कटिंग मारना हिट, हिट 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 हिटिंग चोट पहुंचाना हर्ट हर्ट हर्ट, हर्ट हर्टिंग पढ़ना रीड रेड रेड रेडिंग अब यहां पर देखिये स्पेलिंग सेम है मैं, लेकिन मैंने इसको प्रोनाउंस किया है रेड एंड रेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म में इसको हम प्रोनाउंस करते हैं रेड और रेड लेकिन फर्स्ट फॉर्म में हम इसे पढ़ते हैं रीड बंद करना शट 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 शटिंग तो ये वो फॉर्म्स ही इरेगुलर वर्ब्स की जिसमें तीनों फॉर्म्स में कोई चेंज नहीं आता है तीनों फॉर्म्स एक जैसी रहती हैं अब हम करेंगे रेगुलर वर्ब्स तो रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है हम सफिक्स यूज कर देते हैं वर्ड की एंडिंग में ई डी तो ई डी सफिक्स जो है वो लगता है एट द एंड ऑफ द मेन वर्ब इन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म लेकिन कुछ ऐसे आ, वज, आ, कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं कुछ ऐसी मेन वर्ब्स होती हैं जिसमें हम ई डी की जगह डी भी लगाते हैं तो वो हम देखते हैं जैसे डी सफिक्स लगता है एट द एंड ऑफ द मेन वर्ब इन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इफ वर्ड एंड्स विद अल्फाबेट ई अगर वर्ड के एंड में ई e आ जाता है तो हम सिर्फ डी लगाएंगे जैसे मूव अब यहां पर ई है तो दोबारा से हम ई डी नहीं लगाएंगे तो ई दोबारा नहीं लगाएंगे तो ई नहीं लगाएंगे सिर्फ डी यूज करेंगे तो यहां पे मूव्ड बन जाएगा इसका ऐसे ही हम आई ई डी लगाएंगे सफिक्स एट द एंड ऑफ द मेन वर्ब इन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इफ वर्ड एंड्स विद अल्फाबेट वाई अगर वाई से एंडिंग होती है जैसे मैरी मैरी का हो जाएगा मैरिड तो यहां पे वाई को हम हटा देंगे उसकी जगह लग जाएगा आई ई डी जैसे इन ए कॉन्सोनेंट एंड वाई अब यहां पर हमने वाई हटाकर आई ई e, डी लगा दिया है ये तब होता है जब वाई के जो स्टार्टिंग में है वाई से सबसे पहले जो लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं जैसे बी सी डी एफ जी एच मतलब जितने भी वाउल साउंड्स हैं उनको छोड़ के जो पांच वाउल साउंड्स हैं उनको छोड़ के जो कॉन्सोनेंट्स हैं अगर वो वाई से पहले आता है तो आप वाई हटाकर आई ई e, डी लगा दोगे लेकिन अगर वेन ए वर्ब एंड्स इन ए वाउल एंड ए वाई लेकिन अगर यहाँ पर वाई से पहले वाउल साउंड कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू इन पांचों लेटर्स में से कोई लेटर अगर होता है तो आप वाई हटाकर आई ई e, डी नहीं लगाओगे जैसे प्ले का बन जाएगा प्लेट तो यहां पर आप वाई को नहीं हटाओगे सिर्फ ई e, डी लगाओगे लास्ट में इंजॉय का हो जाएगा इंजॉयड तो आप आईईडी e, तब लगाओगे अगर वाई से पहले कॉन्सोनेट लेटर होगा तो ये आपने याद रखना है चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो मेन वर्ब है हमारी जोड़ना तो जोड़ना को हम बोलते हैं एट एडिड एडिट, एडी। अब यहां पर हम ईडी ही लगाएंगे चलना मूव मूव्ड मूव्ड मूविंग शादी करना अब यहां पर मूविंग में हम ई e नहीं लगाएंगे आई एन जी लगाएंगे तो ई e हट जाएगा शादी करना मैरी मैरिट मैरिट मैरिंग अब यहां पर देखिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है इसीलिए हमने वाई को हटाकर आई ई e, डी लगाया है खुलना ओपन ओपनड ओपनड ओपनिंग झांकना पीप पेप्ड पिप्ड पेपिंग दर्शाना शो शॉर्ट शॉर्ट शोइंग बांधना tie टाइट tight टाइं तो यहां पर हम I E नहीं लगाएंगे यहां पे T Y लग जाएगा I N G लग जाएगा टाइंग तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है धन्यवाद करना थैंक थैंक्ड थैंक्ड thanking कहना टॉक talk, talked टॉक्ट टॉकिंग काम करना वॉक वॉकड वक्ट वॉकिंग पैदल चलना वॉक वॉकड वॉकड वॉकिंग इच्छा करना वॉन्ट वॉन्टेड वॉन्टेड वॉन्टिंग हंसना लाफ लाफ्ट लाफ्ट लाफिंग सो देर आर सम एक्सेप्शंस कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं मतलब इन रूल्स को कुछ ऐसी मेन uh, वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं जो ये सब रूल्स को फॉलो नहीं करती जैसे सम वर्ब्स कैन बी बहुत रेगुलर और इरेगुलर कुछ ऐसी मेन वर्ब्स होती हैं जो दोनों तरह से सेंटेंसेस में यूज की जा सकती हैं जैसे लटकना तो लटकना के लिए हम यूज करते हैं हैंग तो हंग हंग हैंगिंग तो ये क्या है ये इरेगुलर है क्योंकि यहाँ पे रेगुलरिटी नहीं है अगर हम रेगुलर देखते हैं तो वो हो जाएगी हैंग्ड हैंग्ड हैंगिंग तो ये दोनों तरह से यूज की जाती है तो इसी तरह से सीखना लर्न तो लर्न को भी हम दोनों तरह से यूज करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं इरेगुलर लर्नड लर्नड लर्निंग देन रेगुलर लर्ड लर्नड Learning. तो दोनों तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं जलना बर्न बर्निंग बर्निंग बर्न, 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 बर्न। सपना देखना ड्रीम ड्रीम को हम इरेगुलर फॉर्म देखते हैं ड्रीम्ड ड्रीम्ड ड्रीम, ड्रीमिंग और रेगुलर होगी ड्रीम्ड ड्रीम्ड ड्रीम, ड्रीमिंग तो रेगुलर फॉर्म में तो ईडी लग जाता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है खराब हो जाना स्पॉइल तो इरेगुलर फॉर्म होएगी स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड स्पॉइलिंग और रेगुलर होएगी स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड स्पॉयलिंग गंध का अनुभव करना जिसे हम बोलते हैं स्मेल तो इसको इसकी भी टू फॉर्म्स हैं दोनों तरह से यूज कर सकते हैं स्मेल्ट स्मेल्ट स्मेलिंग और सेकेंड है स्मेल्ट स्मेल्ड स्मेलिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो एवरी संडे वी विल मेक ए सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू योर डाउट्स क्लैरिटी आपके जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा हर संडे सो कमेंट योर प्रॉब्लम और डाउट्स इन ए कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर इट इन दैट वीडियो टेल एस अबाउट योर सजेस्टेड टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बताइए और उसकी वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी स्टे कनेक्ट फॉर मोर अपकमिंग videos विद बेस्ट ट्रिक्स हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको इंग्लिश ग्रामर का हर एक टॉपिक बहुत ही इजी वे में बेस्ट एग्जाम्पल से समझाएं सो so, इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय थैंक यू सो मच